इन दिनों अंग प्रदेश भागलपुर के युवक का पूरे देश में डंका बज रहा है और भागलपुर का भी नाम रोशन हो रहा है। उम्मीद भरी आंखें और जुनून जज्बे के साथ जो इस लड़के ने करके दिखाया है वह काबिले तारीफ है। छोटे से शहर से निकला, आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा, यह सपना ही रह जाता यदि माँ बाप का सहयोग न मिल पाता। छोटे से गाँव से निकल कर मुंबई तक का सफर आकाश ने बड़ी ही परिश्रम के साथ किया है और हुनरबाज के सेट पर अपना परचम लहराया है। हुनरबाज देश की शान के विजेता आकाश सिंह का भागलपुर में भव्य स्वागत किया गया है। कुछ करने का जज्बा अगर दिल में हो और जुनून सर पर सवार हो तो आदमी अपनी सफलता की कहानी को इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों से लिख देता है। ऐसे ही अपनी कला और हुनर के कारण देश और दुनिया में अंग प्रदेश का नाम रोशन करके टीवी के रियलिटी शो के हुनरबाज आकाश कुमार सिंह का भागलपुर पहुंचने पर देर शाम भव्य स्वागत किया गया है। मैं युवाओं के लिए यही बोलूंगा, जैसे मैं मेरे अंदर कुछ था टैलेंट, मुझे समझ आया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करना था, मैंने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां से निकला, क्योंकि यहां पे इतना फोकस नहीं था कि यहां पे मैं रह के कुछ कर सकता। तो मैं मुंबई गया, वहाँ पे ही अपना सपना पूरा करने के लिए मैं 4 साल रहा और सपना पूरा करके फिर से वापस अपना घर लौटा। छोटे से गांव से कस्बे से निकल कर माया नगरी तक का सफर, छोटे से गांव से अभी जब मैं महानगरी पहुँचा, मुंबई पहुँचा, सपनों की दुनिया बहुत ही मुश्किल भरा था वो मेरे लिए 4 साल ये, फिर भी मैं कि उससे जितनी भी मुश्किलें आती गई मैं उससे लड़ता गया, जितनी भी स्ट्रगल हुए मुझे कोई परवाह नहीं होता था कि मेरे साथ मुश्किलें आ रही है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए मैं कहीं भी रहना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता वो करता और किया, और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, आप लोग के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। हम प्रदेश के युवाओं को क्या कहना चाहते? मैं सबसे पहले तो सब लोग को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो जितना मेहनत किया शोज में, आप लोग ने भी थोड़ा मेहनत किया मेरे साथ साथ, वोट किया मुझे जिससे मैं विनर बना, आपके वोट से ही विनर बना मैं, तो मैं सब लोग को थैंक यू बोलूँगा। और मैं ये बोलूँगा कि आगे भी मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूँ, आगे जो मेरा सपना है कि मैं कुछ इंटरनेशनल शोज करूँ, इंटरनेशनल एक रियलिटी शो आ रहा है उसमें जाने वाला हूँ मैं, तो आगे भी आप लोग देखोगे और मुझे सपोर्ट करो तो आगे चल के मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और जो भी लोग जिनको भी सपोर्ट चाहिए मेरे से, अगर कभी वो मुंबई आए, अगर लगता है कि वो उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ तो उनके लिए मैं पक्का करूँगा। हम सबों के जो गौरव अंग प्रदेश का लाल, और जिन्होंने पूरे देश में इस अंग नगरी का नाम रोशन किया है, भाई आकाश जी का अपने हुनरबाज बनने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद, विजेता बनने के बाद प्रथम बार अंक की धरती पर इनका आगमन हुआ, और इनके प्रथम आगमन पर कैंप बिहार की पूरी टीम के द्वारा इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। और आज इस मौके पर हम सबों को बहुत गर्व है कि छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई जैसे बड़े सिटी में जाकर अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर अपना लोहा मनवाना ये कोई छोटी बात नहीं होती। और ऐसी जगह पर इन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही है, बल्कि हमारे भागलपुर शहर का भी नाम रोशन। आपके शहर गोड्डा में पहली बार अपोलो डायग्नोस्टिक एवं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली के अत्यंत अनुभवी एवं वरिष्ठ किडनी विशेषज्ञों के द्वारा ओपीडी की सेवा का शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसमें किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों की समस्या का इलाज एवं सभी प्रकार के ब्लड यूरिन की सैंपल कलेक्शन की सुविधा है, किडनी प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट के मरीजों की विशेष सुविधा। अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान गोड्डा में, दिल्ली के डॉक्टर करेंगे आपका बेहतर इलाज। अपना और अपने परिवार के सेहत का रखें ख्याल, किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर आज ही संपर्क करें 9958430465 पर।